कोविड के बाद से स्पेशली एक ऐसा फेज़ आया है बॉलीवुड में जहाँ फिल्में बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है और जो इक्का दुक्का फिल्में चल रही वो भी ऐसी चल रही जो नॉर्मल फिल्में नहीं होती है है ना तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे क्या एक ऐसी चीज़ है जो ऑडियंस थिएटर्स में नहीं जा रही है और क्यों बहुत ज़्यादा फिल्में फ्लॉप होती जा रही तो मैं चाहता हूँ आपका कुछ अगर पॉइंट ऑफ व्यूज पे क्या ऑडियंस का टेस्ट चेंज हुआ है क्या हुआ है आई थिंक आई नीड यू आंसर फॉर ठीक इसी ये मंच जो है नाइट मैनेजर के लिए तो ये इस पर एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन तो मुझे मैं बिकॉज इतने सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे पिताजी भी इस फिल्म इंडस्ट्री में तो कम से कम साठ साल हो गए कि मुझे जब से इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बातचीत और फिल्में और एक्टर्स और डायरेक्टर्स और चलना ना चलना ये सिलसिला तो चलता है काफ़ी सालों से चल रहा है तो कभी एक पैच आता है जब दो साल के लिए ऐसी फिल्में नहीं चलती हैं फिर लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री बंद हो रही है ये प्रॉब्लम हो रहा है ये कम से कम मैं ही अपने करियर में पाँच छः बार देख चुका हूँ और ऐसा कभी होता नहीं है ना होगा ये जैसे हर इंसान के आ, लाइफ में होता है उतार चढ़ाव बिजनेस में भी होता है उतार चढ़ाव और कभी उतार होगा कभी चढ़ाव होगा एंड यू नो तो मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ कि क्योंकि इस कोविड के वक्त में मुझे लगता है लोगों ने समझने की कोशिश की है कि और मेहनत करें और अच्छी फिल्में बनाएं और आने वाली फिल्में देखना बहुत बढ़िया होंगी और अच्छी होंगी क्योंकि आदमी हर ज़्यादा सीखता है यू you नो know, जब ऐसी ऐसे सिचुएशन होती है तो ज़्यादा सीखता है और जो नहीं सीखेगा वो फिर ये टू पे अ प्राइज़ बट आई थिंक पीपल आर सिंसियर एंड ऑनेस्ट देयर वर्क एंड हु नो देर जॉब हु नो देर क्राफ्ट उनके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है उनको काम मिलता ही रहेगा और फिल्में चलती रहेंगी और जब अच्छी फिल्म देंगे तो ऑडियंस आएगी और फिल्म देखेगी और आपने देखा और आप देखते रहेंगे